हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे अपनी प्रीवियस हेडर फाइल में। तो सबसे पहले आपको जाना है AVR स्टूडियो पर। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है प्रीवियस प्रोजेक्ट जो आपने क्रिएट किया था। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो प्रीवियस जो वीडियो थी, हमने यहाँ पर हेडर फाइल को क्रिएट किया था, इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसमें आज हम कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। ये जो चीज़ है, ये देख रहे हैं आप, तो इसमें हो क्या रहा है, अगर हमारा एक पोर्ट है, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया था एक पोर्ट बी, पोर्ट बी की अगर हमें 8 पिन को आउटपुट डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमें 8 टाइम्स इस फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है। हमें ऐसा मैक्रो डिफाइन करना है, हम उस मैक्रो के अंदर पिन की रेंज दे दें, रेंज डिफाइन कर दें और वो काम करके हमें ला के दे दें। हमें ये 8 टाइम्स कॉल नहीं कराना, 8 टाइम्स कॉल कर रहा है ना ये, इस वाले काम से हमें बचना है। काफ़ी बोरिंग सा लगता है ना कि यह इसी चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इस काम को हम छोटा कर देते हैं। हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ हम स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है पिन को आउटपुट बनाना, 0 से लेकर 7 तक बनानी है, और एक एंडिंग वैल्यू हो, है ना, और एक पोर्ट हो जिस पोर्ट को भी आउटपुट बनाना है। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक पोर्ट चाहिए किस पोर्ट को आउटपुट बनाना है ना, स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए कहाँ से स्टार्ट करना है आउटपुट बनाना, और एक एंड वैल्यू चाहिए। ये 3 चीज़ें रिक्वायर होंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक मैक्रो का नाम दे दो, कोई भी दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैंने दे दिया मेक आउटपुट, ठीक है। 3 चीज़ें बताई थी, कौन कौन सी थी, पोर्ट का नाम हो गया, है ना, पोर्ट का नाम हो गया, पोर्ट बी ले लेते हैं हम यहाँ पे, स्टार्टिंग वैल्यू हो गई 0 से और 7 तक ला के दे दो। ये क्या कर क्या रहा है, 0 से 7 तक ये आउटपुट बना देगा। अगर हमें सिर्फ एक ही पिन को आउटपुट बनाना है तो 0 दे देंगे तो सिर्फ ओनली 0 पिन को आउटपुट बना देगा। 0 से 4 तक बनाना है तो 0 से 4 एंड वैल्यू हम क्या दे देंगे, 4 दे देंगे तो 0 से 4 तक बना देगा, ठीक है। ये हमने मेन सी फाइल में तो अपना काम कर दिया है ना, हमने जो लॉजिक लग रहा था हमने लगा दिया मेन फाइल में। अब जाना है हमें अपनी हेडर फाइल में, मैक्रो डिफाइन करना होगा हमें। मैक्रो डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे अपनी हेडर फाइल में, है डिफाइन, ठीक है। हमने मैक्रो का नाम क्या दिया था मेक आउटपुट, सेम नाम रखना है, ठीक है, मेक आउटपुट। उसमें हमारे पैरामीटर्स कौन कौन से थे, पोर्ट था, है ना, स्टार्ट वैल्यू थी, है ना, और एक एंड वैल्यू थी, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब लॉजिक को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप क्रिएट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और एक इंट आई ले लेते हैं वेरिएबल, उसे हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट वैल्यू से, ठीक है। और वो उसकी कहाँ तक जाएगा, वो आई लेस देन इक्वल टू एंड वैल्यू तक, है ना, जो भी एंड पोजिशन होगी वहाँ तक जाएगा। मान लो 0 से 4 तक है तो 0 से 4 तक जाएगा, अगर सिर्फ 0 ही बनाता तो 0 से 0 पे जाता वो, है ना, 0 से स्टार्ट की वैल्यू 0 होती और एंड की वैल्यू 0 होती और वो वहीं पे ख़त्म हो जाता, सिर्फ एक ही बार चलता ये लूप हमारा, है ना, अगर सिर्फ 0 पिन को बनाना होता। और यहाँ पे हमने कर दिया आई को इंक्रीमेंट, ठीक है, ये काम हो गया। अब हम कर लेते हैं हमने पिन मोड वाले इस वाले फंक्शन को कॉल, ठीक है। तो पिन मोड लिया हमने, ठीक है, हमारा क्या होगा, पोर्ट होगा, कोमा आई होगा, है ना, और आउटपुट बनाना है हमें तो आउटपुट लिख दिया, ठीक है। अब इसे कर देते हैं कंपाइल, तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है ना, सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। चलते हैं प्रोटियस फाइल पर, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं अपनी फाइल,
यही थी मैक्रो, ये इसी ओपन कर लेते हैं इसे और रन करते हैं। ओके रन करते हैं। एकदम सही वर्क कर रहा है हमारा प्रोग्राम, यही तो हमने किया था, 0 से लेकर 7 तक पिन को आउटपुट बनाया था और सही वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने कोड पर रिटर्न। ये हम रिटर्न आ गए अपने कोड पर। मान लो अब हमें सिर्फ 4 पिन को ही आउटपुट बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 रेंज है ना, यहाँ पे हमने दे दिया, इंसर्ट करा दिया 4। इसका मतलब क्या है, 0 से लेकर 4 तक हमारी पिन जो भी है वो आउटपुट होंगे। 0 से लेकर 3 तक करना है तो 3 तक बना दो, है ना। 0 तो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है हमारा यहाँ पर कोड, कोई 0 एरर है, कोई एरर नहीं है। चलते हैं अपनी प्रोटीएस फाइल पर, यहाँ पर रन करके देखते हैं क्या सही वर्क कर रहा है हमारा कोड। 1 को बन गया आउटपुट, 2 सी पिन भी हमारी आउटपुट बन गई, 3 भी बन गई, 4 पिन भी आउटपुट बन गई। ठीक है, और बाकी तो हमने आउटपुट बनाया नहीं था, तो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो कितना इजी हो गया हमारा टास्क। ठीक है, जिस चीज़ को हमें बार बार डिफाइन करना पड़ रहा था वो अब हमारा काम वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।